नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, आरसीपी सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आप तो जानते हैं आरसीपी सिंह को, जदयू के कद्दावर नेता थे, हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों कुछ चल रहा है। 36 का आंकड़ा है सीएम नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि वो क्या था जी, हमने उसे बनाया है, और इसका जवाब आरसीपी सिंह भी दे चुके हैं। कशिश न्यूज ने यह वीडियो दिखाने का काम किया था, लेकिन अभी जो है नालंदा में वो पहुंचे थे और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि अब महागठबंधन में नीतीश कुमार चले गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि जिसको बीजेपी ने बनाया, 17 साल से सीएम की कुर्सी दिलाई रखा, यानी कुर्सी पर बैठाया रखा, केंद्र में आपको मंत्री बनाए रखा, उसके तो ये हुए नहीं जी, ये क्या होंगे किसी और के। और देख लीजिए आरसीपी सिंह अपने भर्सन में थोड़ा बोलने का स्टाइल है, मैं भी उनका नकल कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि देख लीजिए, मोकामा और गोपालगंज गए क्या, और क्यों नहीं गए? जब महागठबंधन का एक धर्म बनता है तो वो तो धर्म भी नहीं निभाते हैं। बीजेपी के साथ क्या किया जी, इसका तो जनता जवाब देगी ना। जरा सुनिए आरसीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। बात मैंने बहुत बार पहले भी कहा है कि जो आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो जी अस्वाभाविक है, अनैचुरल है। आपको याद होगा कि बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए को बिहार में शासन करने के लिए जनादेश दिया था, लेकिन नीतीश बाबू ने जो निर्णय लिया आप सब जानते हैं, जनादेश का अपमान किया। तो स्वाभाविक है कि जो भी गठबंधन में नेचुरलिटी कम होती है, स्वाभाविकता कम होती है, तो उसमें तो तनाव रहेगा ही। और एक बात ये भी स्पष्ट है कि यदि अगर आप किसी पार्टी में हैं, किसी गठबंधन में हैं, तो उसमें भेदभाव नहीं हो सकता है। अगर आपके पार्टी के विधायक हैं, आपको प्रचार के लिए बुलाते हैं, आप नहीं जाते हैं, तो भाई जो आपका गठबंधन है, गठबंधन धर्म का निर्वहन नहीं करते। नीतीश बाबू ने जो निर्णय लिया, आखिर बीजेपी ने उनको कितने वर्षों तक इस देश में केंद्र में मंत्री बना के रखा, प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रखा, लेकिन आप जरा याद करिए ना कि बराबर किस प्रकार का निर्णय लेते हैं। तो कहीं से वो कैसे चाहेंगे कि बीजेपी फिर से वहाँ जीते, उनकी बिल्कुल ये इच्छा नहीं होती। लेकिन हाँ, उनकी अपनी सोच होती है, अपने तरह की वो कभी कभी ख्याल भी रखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस गठबंधन में हैं, जिस गठबंधन के विधायक का सहयोग प्राप्त करते हैं, जिस पार्टी का सहयोग प्राप्त करते हैं, और उसमें नहीं जाना, तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन तो ये आरसीपी सिंह है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं। बीजेपी ने, जिस बीजेपी ने इनको यहां तक पहुंचाया, उसको तो ये पल भर में छोड़ करके आगे निकल लिए। लेकिन ये अननेचुरल पहले भी दोहरा चुके हैं इस तरीके का बयान, अप्राकृतिक गठबंधन, यानी आरजेडी जेडीयू को आरसीपी सिंह अप्राकृतिक गठबंधन बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे गठबंधन का मायने क्या है। लोगों ने, जनता ने मैंडेट दिया था बीजेपी के साथ, लेकिन आप लोगों को छल करके चले गए आरजेडी के साथ, तो जनता तो देख रही है ना। खैर, आरसीपी सिंह हर वक्त इस तरीके के हमले बोलते रहते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद जदयू के नेता किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।